अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन अली ब्लॉग्स। आज मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एक बैड न्यूज़ मिली है और एक गुड न्यूज़ मिली है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सर्वे करवाना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था कि हम लोग अपनी गॉड्स के लिए एक रूम बना रहे हैं, तो उसके अंदर काम शुरू था। लेट मी शो यू। ओह शिट, पहले इसको देख लें। ये काफ़ी देर से बाहर फिरा। जब ही मैंने कैमरा निकाला था, इसको शायद पता लग गया कि इसको व्लॉग में आने की बहुत जल्दी थी। तो पहले सबसे पहले हम अपना व्लॉग इसी से स्टार्ट करते हैं। और ये जी बड़ा लाडला है हमारा, और आप देख सकते हैं मतलब इसमें बिल्कुल एग्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल प्यार करता है, इवन बच्चों के साथ भी, और खेलता है। अभी हो सकता तो मैं आपको इसके शॉर्ट्स भी शेयर करूँगा, ये जब देखना खेलने की कोशिश करता है तो ये नुकसान भी पहुँचा सकता है किसी सूरत में, आपके अगर पाँव के ऊपर पाँव रख दे या खेलने में आपको गिरा दे, तो ये इसका नुकसान है। आप लोग सजेस्ट करें, हम लोग सोच रहे हैं कि इसका कोई नाम रखें, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग इसका क्या नाम रखें। और इसके अलावा मैं आपको अब दिखाता हूँ जो काम हमने शुरू किया था। ये जी वो रूम है जो हम अपनी बकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक काम हो चुका था। ये पहली जो सामने वाली वॉल नज़र आ रही है, ये कंप्लीट है, और ये काफ़ी हद तक नीचे से भी काम हुआ है। तो आज हमारे मिस्त्री साहब छुट्टी के ऊपर है, तो आई होप इंशाल्लाह कल वो आ जाएंगे, तो फिर अपना काम हम शुरू कर देंगे। और उम्मीद है अगर मौसम ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएंगे। और इससे पहले खैर ये देखें, इसको पता नहीं आज मैं इससे क्यों इतना प्यार हो गया। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ये सिर्फ मेरे आगे पीछे ही घूमता जा रहा है। ये बाहर आपको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये एज के अंदर अभी बहुत छोटा है, लाइक अभी मेरे ख्याल से ये 7, 7.5, 8 महीने का है। तो ये हमारी ही गाय का बच्चा है, ये इंशाल्लाह हमारी 2025 की कुर्बानी होगी। और अब चलते हैं हम उस बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ की तरफ। तो एक्चुअली मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर आपको मैंने बताया है कि हमने मुर्गी बिठाई हुई थी अंडों के ऊपर, जिसके नीचे हमने 14 अंडे रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आके जब मुझे पता लगा है कि उस मुर्गी के नीचे अब 13 अंडे हैं, तो हम लोग उस चीज़ से परेशान थे कि एक अंडा किधर गया, या तो वो कबूतर जो बैठा हुआ था वो शायद अंडा ही लेके जाने की कोशिश कर रहा था, या वो ले गया। मेरा नहीं ख्याल कि कबूतर ऐसा करेगा, हो सकता है कोई और चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर सराउंडिंग में एरिया ऐसा है, खुले एरिए हैं, तो यहाँ पर बहुत से जानवर इस तरह के हैं, तो वो लोग अटैक कर देते हैं हमारे जानवरों के ऊपर। तो बाकी कोशिश की है कि उसको अच्छे तरीके से बंद किया जाए, और इन फ्यूचर कोई ऐसा मामला पेश ना आए। तो आई होप इंशाल्लाह अब सब कुछ ठीक रहेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने ब्लॉग के अंदर आपको एक वाइट कलर के पिजन्स दिखाए थे, जो कि मैंने कहा था मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल कबूतरों से थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो फ्लफ़ी से होते हैं। वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिजन्स। तो अभी इनको शायद मैं बाहर ना निकाल सकूँ, लेकिन मैं आपको दूसरे पिजन्स बाहर निकाल के दिखाता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि इस पेयर ने आज अपना एक पहला अंडा दे दिया। ये कुछ दिनों पहले ही हमारे पास आए हैं, तो इन्होंने आके ही मतलब अभी कुछ दिनों में ही यहाँ पे अपना घर बना लिया और ब्रीडिंग शुरू कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात होती है किसी भी ब्रीडर के लिए कि कोई भी इसका बर्ड है, कोई इसका एनिमल है, जब वो ब्रीड करता है तो वो जो खुशी होती है ना, वो सिर्फ ब्रीडर ही फील कर सकता है। जो नॉर्मल जिनको शौक नहीं है वो ये चीज़ फील नहीं कर सकते। तो आइए मैं आपको आज अपने जो पिजन्स हैं उनको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे बाहर आएँ और हम लोग इनका एक छोटा सा शोर करें। अब ये
ये स्पेशली लॉक खुलवाया गया था, नहीं तो ये मोस्टली लॉक ही होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओगे ऐसे या कुछ आपको डालना पड़ेगा। आ जाओ बेबीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मेरा इरादा है कि मैं इधर से दाना निकालूं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मुर्गियाँ आपको ना यहाँ पे एरिया के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होंगी, और मेरा ख्याल है कि 8 से 10 मुर्गियाँ हैं, क्योंकि एरिया बड़ा है और थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो जिस वजह से नज़र नहीं आता कि कितने मुर्गियाँ हैं। मुझे एग्जैक्टली ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे पास कितनी हैं, तो इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं तो उनको भी काउंट करें और कबूतरों को भी दिखाएं। आ जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे क्योंकि ऑलरेडी दाना इनके अंदर पड़ा हुआ है केज के, तो वो मुझे लगता है खा के फुल होके बैठे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया, उम्मीद है कि आएंगे, अगर नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी उनको बुला लेंगे। अभी लगता है शायद कोई मूड में नहीं है, हो सकता है हमें ये पसंद भी ना करते हो। आ जाओ ए, अब यहाँ पे मुर्गे हैं इनको मैं बुलाता हूँ। जी उनको पता लग रहा है, लेकिन मैंने पहले कभी इनको डाला नहीं है, शायद मेरे से डर रहे हैं इस वजह से कि ये कौन आके, इनको लग रहा है शायद मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ या पता नहीं। कबूतर भी वैसे बाहर नहीं आए और मुर्गियाँ भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा खा चुकी होंगी। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से कबूतरों को थोड़ा सा मैं बाहर निकाल सकूँ और आपको उनकी ब्यूटी दिखा सकूँ, तो आई होप कि इस बार वो आ जाएंगे। मुझे सिर्फ पर ये दाना निकालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए बाहर एटलीस्ट। आ जाओ भाई, हेलो, ये देखो खाना है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए खाना है, ये लो खा लो। हेलो, कोई नहीं आ रहा। हेलो, इन लोगों ने खाना खाया हुआ है मुझे लगता है, जिस वजह से शायद ये नहीं आ रहे। ये स्पेशली जी मेरे भाई आ गए इनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये उन्होंने ही रखे हुए हैं। मैं बस ये व्लॉग्स के चक्करों के अंदर ही ये आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, ना मुझे इनके बारे में कोई इतनी नॉलेज है कि ये मतलब इनकी ब्रीडिंग के बारे में या इनकी डिजीज़ के बारे में। मुझे जिस चीज़ का शौक़ है, मुझे डॉग्स का ज़्यादा क्रेज़ है, तो मुझे उनके बारे में काफ़ी नॉलेज है कि उनके अंदर डिजीज़ कौन सी होती हैं और क्या मसला हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये सब भी सीखूंगा। मुझे शौक़ बर्ड्स का है ज़रूर, लेकिन लिमिटेड है, कभी कभी होता है तो फिर मैं मतलब बर्ड ले आता हूँ, और भी काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं डॉग्स के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो बर्ड्स के अंदर मैं नहीं आया। वैसे बचपन के अंदर मैंने बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए थे अपने घर के अंदर जो ऊपर बालकनी में, तो उसके अंदर काफ़ी मेरे पास बर्ड्स थे, तो अभी फ़िलहाल तो सोचा हुआ कुछ बर्ड्स लाने का, लेकिन उनके लिए पहले प्रॉपर एक जगह बनाऊंगा, उसके बाद फिर कोशिश करूंगा कि वो बर्ड्स जो लाएंगे वो आपको दिखा सकें। ये देखें थोड़े बहुत निकले, आई डोंट नो ये पहले क्यों नहीं निकल रहे थे, इनको पता लग गया कि अच्छा अब ये बंदा ठीक है, ये हमें ट्रैप नहीं करेगा।
ये देखें, ये जो सामने आ रहा है ये मैंने मोस्टली ज़्यादातर वाइट कलर के अंदर देखा है, ये पैच के अंदर मैंने कम देखा, लेकिन ये पैच के अंदर मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ये भी है, ये मुझे तो इनकी कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे भाई के मुताबिक ये बहुत अच्छी ब्रीड है, प्योर टैडी। तो लेकिन पर्सनली मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है ना, आप खुद भी डिसाइड करें, ये खूबसूरत है वो खूबसूरत है। अब मुझे उम्मीद है कि ये बहुत महंगे होंगे और ये बहुत सस्ते होंगे, तो ये सही है ना, सस्ते भी हैं, चलो उड़ भी जाए तो इतना अफसोस ना हो, और अगर मतलब कोई नुकसान भी हो तो बंदा बियर कर सके। और ये जी मेरे फेवरेट वन है, ये मेरा फेवरेट वन है, देखें इनका साइज़ ही अलग है। अभी क्योंकि इसने अंडा दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये शायद इस वजह से बाहर नहीं आ रहा दूसरे बर्ड्स के साथ, तो आपको मतलब वाजिया फ़र्क नज़र आएगा अगर जब ये बाहर आएगा। तो ये देखें जी अंडा नज़र आ रहा है, ये होपफुली फीमेल होगी और ये मेल होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि कबूतरों के अंदर ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन पैरट्स के अंदर ऐसा होता है कि पैरट्स के अंदर अगर अंडा कोई फीमेल देती है तो उसके ऊपर मतलब मेल भी बैठता है और फीमेल भी बैठती है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। तो खैर नेचर है, तो उस अल्लाह ने जो भी बनाया है और जो भी प्रोसेस रखा है उसमें ओबियसली कोई बेहतरी होगी। तो बाकी ये हमारे बजीज हैं, कॉकटेल्स भी आज मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। मैं इंशाल्लाह अभी तो मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो एडिट नहीं कर रहा, जैसे बनाता हूँ एज इट इज़ वैसे ही मैं लगा देता हूँ, इवन कोई ऐसा अंदर से क्रॉपिंग भी नहीं करता किसी क्लिप की। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर उसकी स्टार्टिंग पे या मिड में या कभी भी मैं इसके अंदर सिनेमैटिक शॉट्स लाऊँगा अपने बर्ड्स के या अपने एनिमल्स के, और इस तरह से कि आपको देखने में अच्छा लगे। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ही व्लॉग्स बनाता रहूँगा और आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।